अब आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने सजाए मौत के मुलजिम को बरी कर दिया। अदालत आलिया के मुताबिक अदम सबूतों पर फैसला किया गया है। डिवीजन बेंच ने मोइन याकूब को अदम सबूत पर सजाए मौत से बरी कर दिया है। आप एक दफा फिर बताते चलें, ये अहम खबर है। लाहौर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने सजाए मौत के मुलजिम को बरी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा आखिर वाकया क्या है। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट भावलपुर बेंच ने के बेंच डिवीजन ने सजाए मौत के मुलजिम को बरी कर दिया। थाना बगदादुल जदीद के हदूद में 2009 में एक दुबई प्लट मोइन यकूब ने अपने वालिद को कत्ल किया था और उसका स्टांस या उसका मौकफ ये था कि वो छह बहन भाई हैं लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उसको वो प्रोटोकॉल या इज्जत नहीं देते हैं जो बाकी बच्चों को देते हैं, तो सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया गया उसके वालिद साहब को, यानी कि मोइन के वालिद को याकूब को। तो इस हवाले से मातहत अदालत ने उसको सजाए मौत सुनाई थी, जिसके हवाले से 302 की इस्तगासा की अपील की गई डिवीजन बेंच में, जिसे सुनते हुए डिवीजन बेंच ने मोइन याकूब को अदम सबूतों की बिना पर सजाए मौत से बरी कर दिया है। जी सजाए मौत से बरी कर दिया है। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया।